हाय फ्रेंड्स, जीएस फॉर कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग करंट आज के दिन जो करंट अफेयर्स हैं उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को करके आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स के जो जीके से बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 मई, 29 अप्रैल। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को जो है 29 अप्रैल को जो है नृत्य दिवस को मनाया जाता है। और यह दिवस सर्वप्रथम जो है 1982 में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, सांस्कृतिक और जातीय बाधाओं को पार करते हुए लोगों को सामान्य भाषा नृत्य के प्रति जागरूक करना है। और आधुनिक बेले डांस के जो जन्मदाता हैं जिन जॉर्ज जेस नोवरे के जन्मदिन को मनाने के लिए भी प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपके पास चार ऑप्शन हैं, रविंद्र जडेजा, डेविड वार्नर, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली। बताइए इसमें से सही ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं, हाल ही में उन्होंने अर्धशतक जड़ा है और आईपीएल के इतिहास में वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 50 अर्धशतक जड़े हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, 10 मार्च, 25 अप्रैल, 20 जनवरी, 12 मई। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 25 अप्रैल, बी। 25 अप्रैल को हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के सीईओ एवं एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके लिए चार ऑप्शन है, 22 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। बताइए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 वर्ष। रिजर्व बैंक ने हाल ही में एमडी और सीईओ के कार्यकाल को एक निर्धारित समय तय किया है और इस निर्धारित समय का जो अवधि है वो 15 साल तक आरबीआई ने इसको सीमित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसके द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थित अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए नियो 1 नामक रोबोट प्रक्षेपित किया है। उन देशों के नाम हैं, पहला है फ्रांस, चीन, अमेरिका, भारत। बताइए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन। आई होप फ्रेंड्स करेंट अफेयर्स का ये कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों को अच्छे लगे हों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और करेंट अफेयर्स से जुड़े ऐसे ही सवालों के लिए हमारे चैनल जीएस फॉर कंपटीशन को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।